क्योंकि जो प्रोग्राम हमें आया है पूरे भारत में, जैसे साल में हम दो बार स्कूल के बच्चे हो, हम खुद भी हो, 15 अगस्त 26 जनवरी को, उस टाइम ऑटोमेटिक अपने दिमाग में आता है हमारा आज़ादी का दिन है, अपने घर में कोई खीर बनाता है मीठा, कोई भी कुछ मीठा चीज़ बनाता है, मतलब वो दो दिन ऐसा कि हम हर स्कूल में सुबह बच्चा जल्दी उठना है उनको, बाकी भी बहुत से कार्यक्रम करते सब। ये 75 साल देश का हो गया आज़ादी होके, और अब भारत आज बहुत आगे चला गया है। आज भारत इतना आगे गया क्या 75 साल के पहले और 75 साल के बाद, हर जगह आज अपना भारत का तिरंगा हमारे देश के प्रधानमंत्री की वजह से ऊंचा रखा है। सबसे पहली बात तो मैं समझता हूँ जितने यहाँ बैठे वो भारत से कितना प्यार करते हैं, एक हाथ ऊपर करो, बहुत प्यार करते दोनों हाथ ऊपर करो। अगर बहुत प्यार करते हो मैं आवाज दूंगा, वो ऐसा आवाज दो कि देश के प्रधानमंत्री को बोलना आवाज सुनना चाहिए, अरे आवाज कहाँ से है, भारत माता की, भारत माता की। देखो अपनी जो पहचान है, अच्छा भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे बहुत से जाति है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और भी कितने, लेकिन भारत के बाहर जब भी जाते हैं हम, वो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो ईसाई हो कोई भी हो, तो हम बोलते हैं हम इंडियन, आई एम इंडियन, मैं भारतीय हूँ, अपने पासपोर्ट में लिखा है इंडियन, मैं भारतीय हूँ। और तिरंगा जो अपनी देश की शान है, ऐसे बहुत से झंडे अपने हिंदू समाज में, बहुत झंडे मुस्लिम समाज में, बहुत झंडे हमारे दलित समाज में, बहुत झंडे अलग धर्म में अलग झंडे, लेकिन एक झंडा ऐसा है जो अपनी पहचान है, वो है तिरंगा, है कि नहीं। तिरंगा ऐसा है कि वो तिरंगा आते ही हर एक आदमी उसको हाथ में लेके खुश होता है, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, उस टाइम फट से जात पात मिल सकता है। तो ये तिरंगा कोई 75 साल में हमको बहुत प्यार से रुबाब से रखना है, क्योंकि बाहर देश में जब भी हम लोग जाते तो वहाँ पे देखते होगे, सुमित भी जाते हैं, ऐसे बहुत लोग जाते तो वहाँ पे जात पात का लपा नहीं, उन लोग अपना झंडा को इतना प्यार करते कि एक ही जात है उनका झंडा, भारत उनका देश का झंडा। अब जब भी तुम देखो क्रिकेट मैच जीतते, अभी कुछ दिन से पहली बार प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से पहली बार गोल्ड पे गोल्ड मेडल ला रहे, पेपर में देख रहे हो, जब वो गोल्ड मेडल लेता है वो उधर उसके आगे जो माँ बाप कोई रहता नहीं, वो झंडे को कितना चूमता है देखते कि नहीं, चूमता है रोता है। तो झंडे को कितना पैर उनको है, जितना पैर आर्मी को है झंडे का, उतना पैर हम सबको भी रहना चाहिए। तो ये बात है जो 75वां साल जो बनाना है, एक नियम आया है जो देश के प्रधानमंत्री ने हर महापालिका, हर पुलिस डिपार्टमेंट, कलेक्टर, स्कूल कॉलेज, एक ही नियम आया है। और आम आदमी को भी बताने के लिए हमको भी एक पत्र आया महापालिका से कि ये चीज़ आपको आम आदमियों के साथ जाके व्यापारी हो बड़े वासी उनके साथ करना है। तो क्या करना है, जैसे 9 से 13 तक, जैसे हम बैठे आज तारीख है 7, हम लोग 9 तारीख की पहले भी प्लानिंग कर रहे हैं, तो 9 से 13 सबको बोलना है क्या देखो 75वां साल आ रहा है। अभी इसमें से बहुत लोग को तो मालूम भी नहीं होगा, आज यहाँ सुन के पास जाओगे तो 10 बहुत लोग को बोलोगे, इधर हर एक आदमी 10 को बोलेगा तो हजारों को मालूम पड़ेगा। तो 9 से 13 क्या करना है, 9 से हम सबको पहले प्रचार करना है क्या 75वां साल हो रहा है, हम सबको कार्यक्रम करना है, हमको रंगोली निकालना है, हमको अपने अपने पबाग में फेरी निकालना है, ऐसा 13 से 15 झंडा लगाना है। अब झंडा कहाँ से लाने का, और झंडे का बहुत तो कायदा नियम था पहले, झंडे का कायदा नियम ऐसा था कि सुबह लगने से शाम को उसको निकालना है, अब वो कायदा गवर्नमेंट ने बाजू में किया है, आज झंडा लगने के बाद उसको उतारने की जरूरत नहीं। और झंडा कैसे लगाना चाहिए वो आपको बताया जाएगा कि कलर कहाँ चाहिए, नहीं तो मालूम पड़ा उल्टा लगा दोगे आप, तो झंडा का भी रिस्पेक्ट। झंडा लगाते टाइम जो दंडी है, झंडा लाओगे दंडी टेढ़ा, ऐसा नहीं चाहिए, झंडे को भी दंडी भी अच्छा चाहिए, भारत झुकना नहीं चाहिए। अगर आप आपकी खिड़की में लाओगे, अगर समझे ब्लॉक रहीवासी है, तो ऐसा उल्टा नहीं सीधा, कि भारत झुकना नहीं चाहिए। भारत कब झुकता है, जब भी अपने देश का कोई बड़ा व्यक्ति, माननीय व्यक्ति, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, यहाँ के स्टेट का मिनिस्टर हो, सेंट्रल मिनिस्टर, उस टाइम झंडा नीचे आता है दुख के टाइम। हमें
झंडा को ऊपर रखना है, इसलिए यहाँ पे 9 से 13 तक सबको अपने अपने तरीके से, यहाँ बचत गट के महिला के सब अध्यक्ष लोग को बुलाया हुआ है, आप लोग भी जाके उधर मीटिंग लेने का, आप तक घर तक आप बात कर सकते हो। यहाँ जो व्यापारी वर्ग है, व्यापारी दुकान में आते कितने ग्राहक आते उनके पास, एक बार खाली 3 दिन 4 दिन आपको थोड़ा धंधे के अलावा ये काम भी करना है, देश का काम समझो। 3 दिन तुम बॉर्डर के सिपाही, 3 दिन समझो तुम मिलिट्री हो, 3 दिन समझो आप स्पोर्ट्समैन हो, कोई मेडल जीतने जा रहे हो, तो दुकान में हर आने वाले को अगर आप बोल दोगे अरे झंडा लाया कि झंडा लगाओ, देखो हमने लगाया, ये यहाँ मिल जाएगा आपको, तो ये सब दुकानदारी बोलना चाहिए। रिक्शा के यूनियन के अध्यक्ष है, रिक्शा वाले का जितने लोग अलग अलग तरीके के बैठते हर समाज के बैठते, आपके इसमें भी झंडा रहेगा 3 दिन 13 से 15, और तुम अगर बोलोगे हाँ यार झंडा लगाना चाहिए, देश की बात ही करने का, ये देश तिरंगा के लिए बातें करना है, तिरंगा अपना मान सम्मान सब कुछ है, तिरंगा को नीचे नहीं झुकने के लिए कितने मिलिट्री वहाँ मरते कितने मारते, तो तिरंगा का महत्व क्या हमको बताना है, और जहाँ तिरंगा का महत्व मालूम पड़ेगा तो अपना पूरा भारत, अपना पूरा महाराष्ट्र, अपना भिवंडी एक होकर लड़ेगा। जब एक होकर लड़ेगा, जब भी फाइट ऐसा मारते एक लगता है कि नहीं, ऐसा लगता नहीं, तो इसलिए ये जो कार्यक्रम बहुत बड़े पैमाने में करना है। झंडा जो है, शिवानंद ने बहुत अच्छी बात किया कि मैं दे सकता हूँ, जिसको जरूरत पड़ेगा तो उसको दे सकता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ, जैसे सुमित पाटिल ने कहा कि झंडा हम क्यों ले सकते नहीं, जैसे दिवाली में जो आता, दिवाली आता है अपन कंदील तकलीफ रहता है अपने पास, लेकिन हमने थोड़े में अपने एडजस्ट करते हैं, अपन कंदील 1000 रुपये लाते नहीं, 100 रुपये लाते, कोई बाजू वाला ला के देगा तो मजा नहीं, तो ऐसे झंडा जो है हमको खरीदने का, और इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, पूरे भारत में गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत से ज़्यादा में भेजे गए, लोग खरीद सकते नहीं, इसलिए गवर्नमेंट ने स्कीम निकाला है, देश के प्रधानमंत्री ने सब स्टेट को बोला है, और स्टेट ने महापालिका को बोला है कि आप लोग टेंडर निकालेंगे और सस्ते में झंडा दोगे, तो महापालिका ने अपना टेंडर निकाला है, 1.5 लाख झंडा का उन्होंने ऑर्डर दिया है, और उसका पास भी हो गया। कल से जितना पबा म्यूनसिपाल्टी है वहाँ पे आपको खाली 18 रुपया, कितना खाली 18 रुपये लगे झंडा लेने का है, और एक डंडा ले लेने का। जैसे हम गणपति आता, जब गणपति लाने के बाद उनको कंटीन लाते, दीप लाते लाते कि नहीं, तो ऐसे समझने का 3 दिन हमने को भी यही काम करना है। 18 रुपया बड़ा ये नहीं है, मैं सुमित पाटिल हम पूरे पदमा में दे सकते हैं, लेकिन उसका मजा नहीं, दिया ऐसे लगाया वो मजा नहीं, जाके ला के लगाना एक अलग ही मजा है, एक तो जाता है पैसा भी जाता है, और लाने के बाद मैं झंडा लेने जा रही हूँ, खरीद के ला रही हूँ और लगा रही हूँ, तो उसका रिस्पेक्ट रहता है कोई भी चीज़ का। तो हम सबको झंडा खरीदना है, क्या किससे लेना है, सो बोलो, आवाज़ कम आ रहा है, हाँ आपको भी खरीदना है, और आप जाके और 10-10 लोगों को बोलो खरीदना है, और भारत को मजबूत करना है, भारत को इसलिए मजबूत करना है, भारत मजबूत होगा हमारा महाराष्ट्र मजबूत होगा, महाराष्ट्र मजबूत होगा हमारा भिवंडी मजबूत होगा, तो इसलिए एक होके काम करना है। झंडा ला के लगाने के बाद उसको उस दिन रिस्पेक्ट से लगाने का, झुकना नहीं चाहिए, और एक दिन पबा फेरी निकालना हम सबको मिल के, और यहाँ भी अभी 10-20 लोग हम लोग कमेटी बनाएंगे, आज जो भी सब आया उनसे फिर कॉन्टेक्ट करेंगे, 13 तारीख को एक पबा फेरी, एक ऐसा पबा जिसमें सब व्यापारी वर्ग, घर के हमारे फैमिली आप लोग सब, क्या लोग सोचना चाहिए कि पद्मनगर भाग में ऐसा क्या भारत के प्रेम जागा कि इतने लोग निकले, और अपने को देख के बाकी लोग भी निकलना चाहिए, इसलिए जो भी काम अच्छा काम अपने पद्मनगर भाग में होता है हमको देख के सब जगह होता है, चाहे वो महापालिका कोई काम हो, महापालिका हॉल हो, महापालिका जिम हो, पहले अपने यहाँ बना बाद में पूरे भीड़ नहीं बना, तो ये भी कल का जो माहौल है, कल को प्रधानमंत्री जी कहा का झंडा, आज में एक सुबह सुबह क्लिपिंग देखा, क्या प्रधानमंत्री क्यों बोल रहे क्या सब भारत को इकट्ठा करने के लिए, ताकत करने के लिए, क्योंकि आज झंडे के जो रिस्पेक्ट मान सम्मान बाहर है, भारत का पासपोर्ट पहले अरब कंट्री में जाते दुबई में ए चल बाजू में खड़े बोलते थे, अब भारत का पासपोर्ट देकर हाँ बाबा अच्छे से कर रहे, ये इज्जत दिया, मतलब ये इज्जत तो हमको आज जो 75 साल हम मना रहे, ये 75 साल बाहर की कंट्री में देखती है क्या कर रहे हैं लोग, अच्छा बना रहे कि नहीं, बाहर की कंट्री की भी बहुत से CID गोपनीय रॉ उनकी भी घूमती है यहाँ पे, उनके संस्था है वो बोलती है अरे भारत में तो बहुत जागृत हो गए, भारत के लोग एक आवाज़ में, प्रधानमंत्री मतलब कोई पार्टी का नहीं है, प्रधानमंत्री हम सबका है, एक आवाज़ में पूरे भारत के लोग ने उठाया,
आज क्या चल रहा है, एक बाजू चाइना नाटक कर रहा है, पाकिस्तान तो कहाँ गया पता था नहीं, आवाज़ भी नहीं करता है, जैसे आवाज़ करते तो अपनी जाते फौज मार के लेके आते चार पांच, वो ठंडा हो गया। अब चाइना पहले मस्ती करता था, चाइना को भी कोविड के टाइम में ऐसा उसकी मस्ती उतारा कि उसको भी चुप बैठना पड़ता है। तो बाहर के देश भी देखते कि इतने ताकतवर लोग हो गए, 125 कोटी लोग एक साथ में रहते और इतने धूम से 175 साल बना, इसका वजन भाग जाता है। और फिर जब मोदी जी अपने प्रधानमंत्री जाएंगे उनको भी मान जाए बाबा मोदी जी है, 135 करोड़ लोग का सब इनका सुनते, सब समाज इनका सुनते, ये भारत बहुत महान है, तो वो दिखाने लिए करना है। मैं आज ये क्यों कार्यक्रम रखा, ये कार्यक्रम सही में अच्छा, जब इसका पूरा इसके बारे में एक तीन पेज का एक जिया रहा है जिसमें मैं है हमारे राजू गांधी हम लोग उससे बहुत पढ़े, हम लोग इसमें क्या क्या चीज़ है, कितने अच्छे तरीके से इसको दिया है कि जहाँ समाज इकट्ठा हो जाएगा, एक बिल्डिंग में अगर सोसाइटी है, सोसाइटी जितने इकट्ठे से काम करेंगे उतना अच्छा काम होता है, उतना मेंटेनेंस का बराबर काम होता है। बचतगढ़ में जितना तुम लोग अच्छा रहोगे, आज उतना आपने देखा बचतगढ़ में जहाँ झगड़ा है वहाँ किसको कोई मिला ही नहीं, जहाँ झगड़ा नहीं है 1 लाख 2 लाख 10 लाख 15 लाख में हाथ से मेरे चेक दिया हूँ, ये क्यों हुआ इकट्ठा। इसलिए जहाँ इकट्ठा वहाँ फायदा, फायदा अच्छे के लिए होता है और फायदा बुरे के लिए भी होता है, जो बुरा करेगा उधर भी इकट्ठा होगा तो बुरा लोगों को भागना पड़ता है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे वो चर्ची सब बैठते थे एक एरिया में, बहुत लोग परेशान थे, कुछ महिला बचतगढ़ के लोग आए, कुछ महिला लोग आए, बोले ऐसा करें जाओ पकड़ो, उन लोगों ने रात को पकड़ा दे दिया पुलिस स्टेशन में, पुलिस ने मारी, वहाँ अभी बैठना बंद हो गया। ये क्यों बोल रहा हूँ कि इकट्ठा जब जब हो गए तो ऐसा बुराई का अंत होता है। अब हमको सबको इसलिए इकट्ठा होना है कि जो आने वाला जो तीन दिन है भिवंडी में, तो हम बता ही रहे सब जगह, बहुत जगह काम हो ही रहा है, हमारे कपिल पाटिल मंत्री, हमारे कपिल पाटिल के मार्फत, हमारे आमदार महेश चोगले मार्फत, जहाँ जहाँ बीजेपी के हमारे कार्यकर्ता है, जहाँ जहाँ हमारे पार्टी के नहीं हमारे दोस्त है, वो सभी को पूरे भिवंडी में काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बढ़िया काम हमको करना है, आज इतने जो लोग बैठे एक से बढ़ के गए, कोई बिल्डिंग सोसाइटी का चेयरमैन है, कोई हर बिल्डिंग में रहता है, दुकानदार है, सब मजबूत लोग है। आप जितने यहाँ बैठे हो आप लोग बोलोगे तो आपका सुनने वाले बहुत लोग हैं, तो आप मुझे सुनते हो वो आपको सुनेंगे। तो आज की जो बैठक में ऐसा नहीं आए हम लोग बोले सुने, जाने के बाद आप लोग भी एक कसम आज वादा करने का वचन, हम जाने के बाद जो जो यहाँ बातें हुई वो बात हम लोग तक पहुँचाएंगे। और 13 तारीख से 15 तारीख पूरे दामन नाके से लेके पूरे पद्मा नगर परिसर में दुकान हो, होटल हो, पावर लूम हो, रहीवासी छोटे छोटे झुपड़े सब जगह तिरंगा दिखना चाहिए। और भी कैसे तिरंगा, सीधा, एक भी तेरा तिरंगा नहीं। और 13 तारीख को जो अपनी एक भारत का झंडा लेके तिरंगा निकलेगा, वो ऐसा तिरंगा रहना चाहिए कि लोग देखते रह जाए। उसकी सब तैयारी है कि नहीं, सबकी तैयारी है उसके लिए, आवाज कम आ रहा भाई। और झंडा अपने को खुद को फेरना, फिर भी हम लोग क्या करेंगे, राजू आश्रम, मोहन कोंडा, किशन जी, कुछ उन लोग ने सूचना दिया है कि झंडा हम लोग उधर से खरीद के कुछ स्पॉट में हम लोग उसको दे देंगे, मतलब आपको मुझसे बड़ी जरूरत नहीं है, वही भाव में लेंगे, वही भाव में दे देंगे। जैसे बचतगढ़ में रमा का इधर साजन ताई ऐसे लोग भी है, आप लोग भी जाके उधर ले लोगे, यहाँ ला के उतने 18 रुपये दे देंगे, ताकि अपने लोग को थोड़ा जाना आने का फेरी, ऐसी मार्केट हुआ गए, आप लोग अगर वहाँ से जाके ले लोगे, यहाँ जो भी कस्टमर आता है बाबा ले लो 18 रुपये ले लो तो अच्छा झंडा लेगा। जैसे इधर दुकानदार जितने इधर दुकानदार पे करोगे तो हो सकता है, ऐसे रिक्शा वाले भी किसको बोलते हैं वहाँ झंडा पाई देगा अमी दो एड्रेस क्या, मतलब उस दिन दो दिन 13, 14, 15 ओनली झंडा सब जगह। और भी फिर किसको सूचना में बैठ में बोलने भाई किसको कुछ सूचना देना है तो दे सकते हो। 13 तारीख का जो कार्यक्रम है, फिर से जैसे आपको अभी कॉल आया लेटर आया, ऐसे एक यहाँ की कमेटी बनेगी, वो सभी आपको उसका ध्यान देगी। और जिस दिन निकलना है, कोई झांसी की रानी बनो, अच्छे कपड़े आके निकलना है, क्यों अपना तिरंगा है उसका 75 ईयर, जैसे हम शादी में पूजे में कपड़ा डालते ऐसे कपड़ा डालेंगे, कोई अगर महाराष्ट्र है तो उसने महाराष्ट्र वैसा उसने कपड़ा डालना चाहिए, तेलुगु तो तेलुगु समाज में अपने अलग अलग कपड़े डालना चाहिए, ऐसे मुस्लिम समाज से इधर बहुत लोग हैं, और किसको झांसी रानी बनना है, किसको शिवाजी महाराज बनना है, ये सब भी बन सकते हैं। एक खूबसूरत मतलब अपना क्लिपिंग मोदी पिक्चर डालना चाहिए,
बोले कौन सा भिवंडल इतना बना है, तो इसके लिए सबको तैयारी करना है।